Attention! Guys! Attention! Now we are not going to go. अब आप लोगों में कोई मूवमेंट नहीं होगा, अटेंशन में है आप लोग, ठीक है? As you know that, the moment the flag is hoisted, you all are going to sing national anthem. I request the teachers in the actual campus also, to let the students stand up. जो टीचर्स स्कूल के अंदर हैं, मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी बच्चों को क्लासरूम में खड़ा कर दे, फ्लैग होस्टिंग होने जा रही है. कहीं कोई शोर नहीं होना चाहिए. हमें घटक भाग बिना नहीं तलवार में घटक भाग उठाना पड़ा, देश के लिए लड़ना. आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर उत्कृष्ट कार्य करेंगे, जो भी काम करेंगे राष्ट्र हित में काम करेंगे. बच्चों से मेरा और निवेदन है कि आप सभी लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, इतना ही करें. देश में पर्यावरण प्रदूषण बड़ा खराब है, सावन का महीना पानी नहीं बरसता, हम लोग परेशान हैं. यहाँ पर ना कोई वैज्ञानिक आधार लगा सकते हो, ना कोई यहाँ धनवान आदमी ने पैसा लगा के बरसा सकता पानी को. इसलिए हम लोग तय करेंगे एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे, एक वृक्ष लगाए उसको पाले पोसे बड़ा करें. पर्यावरण प्रदूषण को ठीक करना बहुत ही आवश्यक है. इस 15 अगस्त पर आज सभी बच्चे संकल्प लें कि हम सभी लोग अपने बैठों में एक वृक्ष लगाएंगे और उसको अपने भाई परिवार माता पिता की तरह सेवा करके उसे बड़े करेंगे, तभी देश का पर्यावरण ठीक होगा. देश का जब पर्यावरण ठीक होगा तो देश का हमारा मानसिक विचार ठीक होंगे और मानसिक विचार जो ठीक होंगे तो हम राष्ट्र हित के काम करेंगे. इन बच्चों को सभी को इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई है कि आप सभी लोग इस विद्या रोशन करें. और जो आप महर्षि वशिष्ठ विद्यालय है, महर्षि जी एक बहुत ही विद्वान आदमी थे, भारत के इतिहास में वशिष्ठ मुनि एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने दुनिया में अपने नाम को नई समाज को दिशा दी है. भगवान जैसे लोग उनके पास शिक्षा लेने जाते थे. आज ये है कि बच्चे इस नाम का विद्यालय का नाम रोशन करें. और ये विद्यालय इनका गुरुकुल है. गुरुकुल माने होता है जहाँ पर हम टाट पर भी बैठ करके शिक्षा ग्रहण करें, सभी समान है. क्योंकि हम लोग पूरे देश को अपना पूरे विश्व को आए मेगा परोजित गणना लग के साथ उदार चलता नाम को बसंत हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं. इस निमित्त आज 15 अगस्त पर इतना ही मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग पढ़ें खेलें और पढ़ें, यही एक निवेदन आगे बढ़ करके भारत को उच्च आदर्श.
धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़े सबके साथ खड़े हुए हैं, इतनी गर्मी में उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। बस कुछ ही समय में अब हम यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। प्रभात फेरी को रुक गए मार्च विश्व विद्यासर कॉलेज से गुरुकुल स्कूल के प्रस्थान करेंगे। सभी बच्चे जो कि जहां बैठे हुए हैं, 10 मिनट में केवल 10 मिनट में हम यहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं।
चलो बेटा चलो। Yeah.
अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। अब एक बहुत छोटी सी बच्ची कुछ कहना चाह रही है, पहले उसके क्लैपिंग कीजिए सब लोग।
क्लैपिंग। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? अरे वाह, ये है हमारे गुरुकुल के नन्हे बालक। और भी कोई बच्चा आके अगर आज कुछ गाना चाहता है या कहना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। दिस इज योर स्कूल, यू आर हियर फॉर एवरीथिंग। एक बार फिर सुनिए, भूल रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में ये तिरंगा हमारा। और एक बात है, हालातों के सामने सिकंदर नहीं झुकता, टूटा कोई तारा तो जमीन पे नहीं होता। गिरते हैं शौक से दरिया समुंदर में, पर किसी समुंदर में दरिया नहीं होता। हम वो हिंदुस्तानी हैं जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, और यही वजह है कि हमने आज़ादी के 75 साल में हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस इंडिपेंडेंस। ये हमारी खूबी है कि हम बीते गए कल पे ध्यान नहीं देते और आगे की सोचते हैं, इसीलिए हम दिन पर दिन प्रोग्रेस।